लुकमान अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक पांचवी नसीहत अपने फर्जंद को ये की, वला तुसईर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि लोगों के लिए अपने चेहरे को फुला करके ना रखना। अरबी जुबान में एक लफ्ज आता है अस्सर, सर कहते हैं ऐसी ऊटनी को कि उसकी गर्दन बारह पलटते रहती है। सर कहते हैं ऐसी ऊटनी को जिसकी गर्दन मुस्तकिल एक तरफ ठहरी हुई नहीं रहती, एक तरफ उसका झुकाव नहीं होता बल्कि वो पलटते रहती है। ये एक तरह की बीमारी होती है उस ऊटनी के अंदर। अरबी जुबान में ऐसी ऊटनी को सर कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने वही सेगा इस्तेमाल किया, वला तुसईर खद्दका लिन्नास, के लोगों के लिए अपने चेहरे को फुला करके ना रख, मोड़ करके ना रख। मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें अपने माल पर, अपने खानदान पर, अपने नसब पर, अपने इल्म पर, अपने हुनर पर, अपनी काबिलियत पर, अपने जाहो जलाल पर फख्र व तकब्बुर होता है। आप उससे बात करते हैं वो अपने चेहरे को फेर देता है। आप उससे कुछ कहना चाहते हैं वो घमंड में, गुरूर में, फखर में, तकब्बुर में आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता बल्कि अपने चेहरे को फेर देता है। तो लुकमान अलैहि सलाम अपने बेटे को कहते हैं कि मेरे बेटे आजिजी को इख्तियार कर, अपनी जिंदगी में सादगी को इख्तियार कर, अपने चेहरों को लोगों से फेरना नहीं बल्कि आजिजी को इख्तियार करना, किसी चीज पर तुम्हें फख्र नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा वला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि जमीन पर जब तुम चलो तो अकड़ कर मत चलो। यानी कि इन दोनों आयतों के अंदर कि अपने चेहरे को फुला करके ना रखो, अखलाकी तालीम दी जा रही है कि एक नौजवान को, एक मुसलमान को, एक मोमिन को किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह से उसका कैरेक्टर होना चाहिए, कैसे उसके अखलाक और किरदार होने चाहिए। आज हमारा नौजवान जरा सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या जसामत दे दी, ताकत और कुव्वत दे दी, ऐसे जमीन पर चलता है जैसा कि जमीन को फाड़ देगा, ऐसा चलता है जैसा कि वही एक शहबाज है और बाकी के सब के सब उसके सामने चिड़िया की हैसियत रखते हैं, सबको खत्म कर देगा। मेरे भाइयों, जमीन पर चलो तो आजिजी से चलो, इनकिसारी से चलो, सीना चौड़ा करके, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ करके मत चलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पर कहा इन्नका लन तखरी अल अर्द वलन तबलुग अल जिबाल तूला, क्या कर सकता है ऐ बंदा, ऐ बंदे तू कितना आजिज है, क्या है तेरी हैसियत, क्या है वकार तेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। लन तखरी अल अर्द, जमीन को फाड़ नहीं सकता तू, वलन तबलुग अल जिबाल तूला, और ना ही इन पहाड़ों की चोटियां और बुलंदियों तक तू पहुंच सकता है। लिहाजा जब जमीन पर चलो तो सादगी से चलो, आजिजी से चलो, तकब्बुर और घमंड को इख्तियार ना करो बल्कि सादगी को इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकब्बुर को अपने बंदों के लिए हराम कर दिया है। तकब्बुर करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक जीनत है। अल्लाह तकब्बुर करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने का हक रखता है, लेकिन बंदा, बंदे के लिए तकब्बुर इख्तियार करना यह हराम कर दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन किबरिन, ऐ लोगों जान लो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, तकब्बुर होगा, फख्र होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस से आपने फरमाया अल-किब्रु रिदाई, अल-किब्रु रिदाई वल फख्रु इजारी, ये किब्र वल अज़मतु इजारी, ये किब्र मेरी चादर है, वल अज़मा ये बड़ाई, ये अजमत इजारी मेरा इजार है, मेरा तहबंद है। फमन नाज़ानी मिन अहदीहिमा, और जो शख्स उन दोनों में से, मेरी चादर में से, मेरे किब्र में से, मेरी इस अजमत व बड़ाई में से किसी एक चादर को भी छीनेगा यानी कि तकब्बुर को इख्तियार करेगा, अज़फ्तुहु फिन्नार, तो ऐसे शख्स को मैं जहन्नम में फेंक दूंगा, जहन्नम रसीद कर दूंगा ऐसे शख्स को जो तकब्बुर को इख्तियार करेगा। क्या जरूरत है तकब्बुर इख्तियार करने की, काय को जहन्नम के गले में जा करके गिरेगा। आजिजी को इख्तियार करे और
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आजिज़ी हो, क्या इनकिसारी थी। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ एक सफ़र पर निकले। सफ़र में थे, भूख लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं एक बकरे का इंतज़ाम कर देता हूँ। दूसरे सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल उसको छीलना, उसको साफ़ करना ये मेरी जिम्मेदारी है, उसका गोश्त तैयार करना। तीसरे सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल चूल्हा लगा देना ये मेरी जिम्मेदारी है, गोश्त पका देना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी देखो। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं जंगल से जा कर के लकड़ियाँ ले कर के आता हूँ ताकि उसके ज़रिए से उस गोश्त को पकाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे महबूब शख्सियत, खातिमुल अंबिया, खातिमुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतने महबूब, इतने चहीते, और ये आजीज़ी वो इनके सारी है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं जा कर के जंगल से लकड़ियाँ ले कर के आता हूँ। इस तरह की ज़िंदगी के हर दौर में, हर मरहले में, शोबा हाय ज़िंदगी में आजीज़ी व इनकिसारी को इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।